जब बहुत जगह हमने सुना भी पढ़ा भी कि ईश्वर कहता है, महाभारत में कृष्ण जी ने भी कहा कि बिना मेरी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब मनुष्य किसी परिस्थिति बस कोई अनैतिक कार्य करता है, गलत कार्य करता है, जिसे हम पाप कहते हैं करता है, तो क्या उसका पाप का भोग उस मनुष्य को ही भोगना पड़ेगा? क्योंकि बिना ईश्वर की इच्छा के तो उसने किया नहीं है, और जब ईश्वर की इच्छा से ही उसने वो कर्म किया तो उसका भोग मनुष्य क्यों भोगे? अच्छा, जब आप काम कर रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि इच्छा, ईश्वर की इच्छा से कर्म हो रहा है, बिना उसके इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता है, कोई कार्य नहीं होता है? तो जब उसके इच्छा से ही आप कर्म कर रहे थे, तो जब कर्म का फल मिल रहा है तो भोगना किसकी इच्छा से होगा? उस पे आप मनुष्य को कहाँ जोड़ दिए, उस पे अपनी इच्छा कहाँ से आ गई? वो कर्म करने के समय पर आप उसको जान रहे हो कि उसकी इच्छा से हो रहा है, तो भोगने के समय पर मनुष्य अपने को अलग क्यों कर लेता है? कर्म करने पर तो उसकी इच्छा नहीं अलग है, वो भगवान पे हो गई, लेकिन कर्म फल भोग रहा है तो मनुष्य कहाँ से हो गया? वो फिर उसकी इच्छा कहाँ से हो गई? अगर आप कर्म करने पे भगवान को जोड़ रहे हो कि भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो अगर आपने गलत किया है तो गलत का परिणाम भी गलत मिलेगा, तो गलत का जब दंड मिलता है तो आप अपनी इच्छा क्यों जोड़ देते हो कि हमको कष्ट मिल रहा है? वो कष्ट भी भगवान भोग रहा है, आप नहीं भोग रहे हो, क्योंकि करने कराने वाला, कर्ता और कारक सब भगवान है। तो जो